हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क का एक नया प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में। आखिर स्टारलिंक क्या है, काम कैसे करते हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा और नुकसान हो सकते हैं, और क्या इसके वजह से रिचार्ज का प्राइस कम हो सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा बनाया जा रहा एक सैटेलाइट नेटवर्क है। इस नेटवर्क का मकसद पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना है, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट की सुविधा बहुत कम है। आइए जानते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे है। स्टारलिंक हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके काम करता है। ये सैटेलाइट्स मिलकर एक जाल जैसा बनाते हैं जो पूरी दुनिया को कवर करता है। जब आप अपने घर में स्टारलिंक का डिश लगाते हैं तो वो इन सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कराता है। स्टारलिंक की वजह से हमें क्या क्या फायदा हो सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टारलिंक उन इलाकों में भी तेज और स्थिर इंटरनेट उपलब्ध कराता है जहाँ पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। स्टारलिंक इंटरनेट अन्य इंटरनेट सेवाओं की तुलना में कम खर्चीला हो सकता है। स्टारलिंक उच्च गति वाला इंटरनेट प्रदान कराता है जिससे आप वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य डाटा इंटेंसिव गतिविधियां आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस स्टारलिंक से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि तेज बारिश या अन्य खराब मौसम की स्थिति में स्टारलिंक का सिग्नल कमजोर हो सकता है। स्टारलिंक का डिश और मासिक सब्सक्रिप्शन की लागत थोड़ी अधिक हो सकता है। इतने सारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने से अंतरिक्ष प्रदूषण करता है। स्टारलिंक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके दुर्गमी परिणाम हो सकते हैं। ये परियोजना पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंच को बदल सकती है और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियों भी जुड़ी हुई है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या स्टारलिंक सफल होगा, क्या ये दुनिया पूरी इंटरनेट क्रांति लाएगा, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।